अब मैं 17 साल का हो चुका हूँ, लेकिन ये घटना जब मेरे साथ हुई तब मैं 7 साल का था। एक दिन मेरे पेरेंट्स को रात को बाहर जाना था, इसीलिए काजल मुझे बेबीसिट कर रही थी। काजल हमारी फैमिली फ्रेंड थी, उसके डैड मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे काजल के साथ रहना अच्छा भी लगता था क्योंकि वो सुंदर थी, स्मार्ट थी और काइंड भी थी। आई काइंड ऑफ हैड अ क्रश ऑन हर। एनीवे, जब मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी थी तब वो बाहर गए थे और काजल मुझे बेबीसिट कर रही थी। वी हैड लॉट ऑफ फन, हमने वीडियो गेम्स खेली, खाना खाया और ढेर सारी मस्ती की। जब रात हुई और सोने का टाइम हुआ तब मुझे काजल मेरे बेड में टक इन कर रही थी। तभी हमने नीचे से एक आवाज सुनी और फिर घर के अंदर आते हुए किसी की फुटस्टेप्स सुनी। हमने एज्यूम किया वो मेरे पेरेंट्स होंगे। काजल ने मुझे गुड नाइट कहा और मेरे रूम से बाहर निकल गई। उसने मेरा दरवाजा आधा ही बंद किया और लाइट्स भी ऑन रखी क्योंकि मैं थोड़ा सा डरपोक किस्म का था। एनीवे, मैंने आवाज सुनी काजल की नीचे चलने की और मेरे पेरेंट्स को पुकारने की। फिर कुछ समय के लिए साइलेंस था, फिर अचानक से काजल दौड़ते हुए ऊपर आई मेरे रूम के अंदर। उसने मुझे अपने बेड से निकाला और ग्रैब कर मेरे मुंह पर हाथ रखकर क्लोजेट के अंदर डाल दिया। उसने मुझसे कहा कि मुझे क्लोजेट के अंदर ही रहना होगा और एब्सोल्युटली शांत रहना होगा। नीचे से ऊपर किसी के दौड़ कर आने की फुटस्टेप्स की आवाजें आ रही थी। जब काजल ने क्लोजेट का दरवाजा बंद किया तब मैंने क्लोजेट डोर के गैप में से रूम में पीक किया। मैंने देखा एक आदमी फेस मास्क डाल के मेरे रूम के अंदर चलते हुए आ रहा है। वो काजल को स्टेयर कर रहा था। वो काफी बल्की था और शायद से अपने मिड 30s में था। उस इंसान ने काजल से कहा, हेलो ब्यूटीफुल, मुझे लगता है आज तुम घर पे अकेली ही हो। काजल ने कहा कि पुलिस आ रही है और उसे अभी के अभी घर से बाहर निकलना चाहिए। उस इंसान ने काजल को बिलीव नहीं किया और वो काजल को चिढ़ाते हुए हंसने लगा। काजल ने कहा, निकलो, और तभी वो इंसान काजल की तरफ चलने लगा। वो कह रहा था, मुझे बस तुमसे बात करनी है, डरो मत। काजल ने चिल्लाते हुए उस इंसान से दूर रहने के लिए कहा और फिर उसके बाद उसको अटैक करने लगी। वो उसके पेट और छाती में पंचेस मारने लगी। वो इंसान को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो हंस रहा था और उसने हंसते हुए कहा, पास आओ मेरे, और तभी उसने काजल को पकड़ा और उसे हग करने लगा। He caught her in a big bear hug. वो उसे जोरों से स्क्वीज कर रहा था, तभी काजल ने चिल्लाया। वो दर्द में चिल्ला रही थी, वो स्ट्रगल कर रही थी उसके बेयर हग से निकलने के लिए। ये क्लियर था कि वो इंसान काजल से काफी स्ट्रांग था। मैं बस क्लोजेट के अंदर बैठा रहा, साइलेंट, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। वो इंसान काजल को स्क्वीज करते रहा। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो इंसान काजल को मार देगा। काजल क्लियरली पेन में थी और शायद से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उस इंसान ने काजल को मॉक करते हुए पूछा कि उसे कैसा लग रहा है, क्या वो एंजॉय कर रही है। काजल ने उस इंसान के चेस्ट पर पंचेस मारने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने काजल को और भी जोर से स्क्वीज किया। उस इंसान के चेहरे पे पूरी तरह खुशी नजर आ रही थी। ये कुछ समय के लिए चलता गया और मैं वहीं पे बैठा रहा। फिर शायद काजल को चक्कर आई, उसकी आंखें बंद हुई और उसकी बॉडी लूजन अप हुई। मैं उसकी बंद आंखें देख सकता था। मुझे ऐसे लग रहा था कि काजल मर चुकी है। वो आदमी काजल को बेयर हग करता रहा। फाइनली उस इंसान ने काजल की अनकॉन्शियस बॉडी जमीन पे रख दी। उस इंसान ने काजल को सर से बेली तक देखा। उसने मटर करते हुए कुछ तो खुद से ही कहा। फिर उसके बाद वो उसके बेली बटन पे किस करने लगा। लकीली नीचे दरवाजे पे लाउड बैंगिंग की आवाजें आने लगी और उसके बाद किसी ने कहा, पुलिस, दरवाजा खोलो। ये सुनकर वो इंसान भागते हुए स्टेयरकेस से नीचे चला गया। कुछ एक या दो मिनट बाद काजल ने अपनी आंखें खोली। मैंने भी क्लोजेट डोर खोल दिया। मैंने काजल को जोर से हग किया। फिर हम दोनों भी नीचे दरवाजा खोलने के लिए चले गए। जब दरवाजा खोला तब दरवाजे के बाहर पुलिस थी। इट टर्नड आउट मेरे सामने की नेबरिंग ओल्ड लेडी, उसने देखा एक फेस मास्क डाले हुए आदमी को हमारे घर के अंदर एंटर करते हुए। फिर उसके बाद उस लेडी ने पुलिस को कॉल करके बताया। उस औरत ने मेरे पेरेंट्स को भी कॉल कर दिया था। काजल और मेरे पेरेंट्स मेरे घर पे आ चुके थे। हमने पुलिस को बताया जो कुछ भी हुआ। उस रात ही पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। इट टर्नस आउट वो एक पागल इंसान था जो ऐसी हरकतें पहले भी कर चुका था। इस घटना के बाद काजल ने थेरेपी ली और सेल्फ डिफेंस के लिए बॉक्सिंग और जूडो भी सीखा। इवेंचुअली वो रिकवर हुई और वो मेरी बेबी सिटिंग भी करती थी। लेकिन मैं सोचता हूँ उस दिन अगर काजल मेरे साथ नहीं होती तो वो इंसान मेरे साथ क्या करता। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग घर पे ही बैठे होंगे। इस क्वारंटीन में मैं आपको घर पे रहने का एक और रीजन दे रहा हूँ। पुरानी वीडियोस जो इस चैनल पे थी, जो डिलीट हो चुकी थी, वो मैं अब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के IGTV पे डाल रहा हूँ। अगर आपको वो पुरानी वीडियोस एंजॉय करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और घर पे रहो और सेफ रहो। तो चलो तो यारो, मैं निकलता हूँ। मैं आपसे बात करूंगा।